हेलो गाइस हम पढ़ रहे हैं आईपीसी की एक सेक्शन बाय सेक्शन सीरीज़ ठीक है जिसमें हमने ऑलरेडी आईपीसी के सेक्शन वन से लेके सेक्शन फाइव कवर कर लिया था जो कि हमारा चैप्टर वन था आज हम चैप्टर टू कवर करेंगे और चैप्टर टू के वन बाय वन सेक्शन हम कवर करेंगे ठीक है तो चैप्टर uh, टू जो है हमारा वो सेक्शन सिक्स से लेके कहाँ तक है देखो सेक्शन सिक्स से लेके वन बाय वन आप सेक्शंस देखिए है और जिनके पास बेरेक्ट नहीं है वो मेरे इस वीडियो के थ्रू बेरेक्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं ये देखिए फिफ्टी टू ए तक दिया हुआ है कई कई बार आ, ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये सेक्शन फिफ्टी टू तक ही है लेकिन नहीं फिफ्टी टू ए तक है लास्ट जो इसमें सेक्शन दिया हुआ है फिफ्टी टू ए का हेपर ठीक है ये जो चीज़ें दी हुई हैं चैप्टर टू में तो इसमें कुछ सेक्शन जो है इन डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट है और कुछ सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एज अ सेक्शन का इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम तो क्योंकि पूरी सीरीज ही कवर कर रहे हैं तो हम सेक्शन वन बाय वन पढ़ते जाएंगे ठीक है जो बहुत ही नॉट इम्पॉर्टेंट हैं सेक्शन हम सिर्फ उनको नहीं कवर करेंगे बाकी सारे के सारे सेक्शंस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद लाइन बाय लाइन हम एक एक एक्ट उठाते जाएंगे और उसके जो भी सेक्शंस रहेंगे वो कवर करेंगे ठीक है तो आज हम ओवरव्यू कर लेते हैं चैप्टर टू का चैप्टर टू का सेक्शन सिक्स कहता है डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन सेक्शन सेवन सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन सेक्शन एट जेंडर सेक्शन नाइन नंबर सेक्शन टेन मैन एंड वुमेन सेक्शन इलेवन पर्सन सेक्शन ट्वेल्व पब्लिक सेक्शन थर्टीन डेफिनेशन ऑफ क्यून जो कि रि, रिपील्ड हो चुका है रिपील सेक्शन जनरली नहीं पढ़े जाते लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो गया है ना ऐसे कुछ एग्जाम्स यहाँ रिपील सेक्शन भी पूछ लिए जाते हैं सेक्शन फोर्टीन सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट सेक्शन फिफ्टीन डेफिनेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो कि रिपील्ड हो गया है सेक्शन सिक्सटीन डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी रिपीट हो गया है सेक्शन सेवेंटीन गवर्नमेंट सेक्शन एटीन इंडिया सेक्शन नाइन्टीन जज सेक्शन ट्वेंटी कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्शन ट्वेंटी वन वेरी इंपॉर्टेंट पब्लिक सर्वेंट सेक्शन ट्वेंटी टू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन ट्वेंटी थ्री रॉन्गफुल गेंद अच्छा सेक्शन ट्वेंटी थ्री में चार चार चीजें दी गई हैं ठीक है रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस Gaining wrongfully and losing wrongfully. Section 24, 25. Section 24, dishonesty important. 25, fraudulently important. Section 26, reason to believe important. Section 27, uh, property in possession of wife, clerk, and servant. Numbers important. Hai. Section 28, counterfeit. इम्पॉर्टेंट सेक्शन ट्वेंटी नाइन डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ट्वेंटी नाइन ए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नंबर से इंपॉर्टेंट है थर्टी वैल्यूबल सिक्योरिटी इसको डीप स्टडी करना क्योंकि कई कई बार ये आपको प्रैक्टिस में काम आता है सेक्शन थर्टी वन अल थर्टी टू वर्ड्स रेफरिंग

विथ अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन ये दोनों जो है सेक्शन को रिलेट करके पढ़े जाते हैं और इनका डिफरेंस एल एल बी में पूछा जाता है सेक्शन थर्टी फोर फिर से हम रीड करेंगे सेक्शन थर्टी फोर एक्टर इन ऑफ कॉमन इंटेंशन ये कॉमन इंटेंशन से, जान जाता section 34, 35, intention से जा, जाना जाता है सेक्शन थर्टी फोर और थर्टी फाइव सिमिलर इंटेंशन से जाना जाता है वेन सच एंड एक्ट इज क्रिमिनल बाई रीजन ऑफ इट्स बींग डन With a criminal knowledge or intention. 36 is effect caused by partly by act and partly by omission. Section 37 cooperation of doing one of several acts and constituting an offense. Section 38 person concerned in criminal act may be guilty of different offenses. Section 39 voluntary, 40 offense, 41 special law, 42 local law, 43 illegal, legally bound to, 44 injury, 45 life, 46 death, 47 animal, 48 vessel, 49 year and month, 50 section, 51 oath, 52 good faith, and 52 favor. देखो अगर आप कोड्स बनाते हो जनरली मैंने देखा है कि कई चैनल्स में इनके कोड्स दिए हुए हैं कोड्स बनाते हैं तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है एक तो आपको कोड भी याद रखना पड़ता है है ना और कोड भूल जाते हो तो आपका पूरा सीक्वेंस हिल जाता है बेटर है कि जो चीज़ जैसे दी हुई है आप उसको वैसे ही मेमोराइज करें उसके लिए कोई शॉर्टकट ना बनाएं ठीक है दैट ऑल अबाउट चैप्टर टू ऑफ इंडियन पिनल कोड जिसमें सेक्शन सिक्स से लेके फिफ्टी टू ए तक दिया हुआ है लास्ट के जो सेक्शन दिए गए हैं थर्टी नाइन से फिफ़्टी टू ए ये आपके लिए सीरियल वाइज वेरी इंपॉर्टेंट है और आप ऐसे ही सीरियल वाइज उनको याद रखें आप चाहें तो इनका फर्स्ट इनिशियल लेके अपना कोई शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं जनरली मेरे ख्याल से तो आपको जैसा जो चीज़ दिया है वैसे ही आप लर्न आउट करें थैंक यू